ये बादल की चादर, ये बादल की चादर, ये तारों के आंचल, फलक तक चल साथ मेरे। वेरी गुड मॉर्निंग फैमिली, कैसे हैं आप सब? होप करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, क्योंकि अपन भी यहाँ बहुत बढ़िया। कैसा जा रहा है यार मेरे सारे भाई लोगों का? वीडियोस कैसी लग रही हैं? अच्छी लग रही हैं तो लाइक कर दिया करो, और अगर चैनल पे नहीं हो तो चैनल को भी कर लो सब्सक्राइब। आज के दिन की शुरुआत हो चुकी है और अपन जा रहे हैं नगरोटा, क्योंकि आपने अगर मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो उसमें मुझे कुछ काम था जो कि नहीं हो पाया था, तो आज मैं थोड़ा टाइम से जा रहा हूँ ताकि वो काम हो जाए, ताकि वहाँ पहुँच के पता चल ही जाएगा कि होता है कि नहीं। बाकी एक छोटा सा यहाँ पे रोड भी अच्छा था तो मुझे लगा आप लोगों को, मेरे भाइयों को, सबको एक स्पिन दिखाना चाहिए अच्छा सा। अभी दिखाएं या फिर काम ख़त्म करके दिखाएं? लेकिन भाई साहब एक बात बता दूं आपको, हमें ना गर्मियों में, भाई अभी इतनी हीट मार रही है ना, गर्मियों में पता नहीं क्या होने वाला है। तो गर्मियों में अपन क्या किया करेंगे, सुबह सुबह राइड कर लिया करेंगे। बाकी और बताओ यार, शेयर करो चैनल को, चैनल का लिंक अपनी फैमिलीज़ के साथ, फ्रेंड्स के साथ, ट्यूशन फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। मैं कोई चीज़ किसी को गलत नहीं बोल रहा, बट मेरे चैनल पे आपको एक प्रॉपर मोटो व्लॉग दिखेगा, और बहुत जल्दी हमारी ट्रिप भी स्टार्ट होने वाली है। सो पुंछ से मेरे जितने भाई हैं जो मेरा वेट कर रहे हैं, बहुत सारे भाई मैसेज करते हैं कि भैया वी आर वेटिंग फॉर यू इन पुंछ। तो पुंछ वालों, राइड स्टार्ट होने वाली है अपनी अगले 3 या 4 दिनों में, तो राइड की जो अपडेट्स आएंगी वो आपको मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे मिल जाएंगी। और अगर आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा हुआ तो नीचे यहाँ कहीं नीचे ना आईडी आ रही होगी इंस्टाग्राम की, तो जाके फॉलो कर लो ताकि आपको लाइव अपडेट्स मिलती रहें। ये देखो आपका भाई कोई तेज़ भगाता नहीं है, जहाँ जगह होती है वहाँ भगाता भी है, ऐसा नहीं है, बट खाली जगह देख के प्यार से, है ना। बाकी आपने देखा यार, भाई मिलते हैं पुंछ से, अभी मुझे कुछ भाई मिले पुंछ से ही रहे तो प्यार पूरा है। ये भैया फ़ोन पे लगे हुए हैं यार, हाईवे के बीच में फ़ोन पे लगे हुए हैं, भाई मत करो यार, और तेज़ भी चला रहे हैं फ़ोन पे लगे। बाकी हमारी वीडियोस प्लीज़ बताना यार भाइयों कैसी लग रही हैं, अच्छी लग रही हैं तो लाइक कर देना और चैनल को भी कर देना सब्सक्राइब। कल मैं रात को लाइव आया था तो मेरे किसी भाई ने मेरे से पूछा कि 3 मिलियन पे क्या आएगा भैया, लैम्बो आएगी? तो मैंने उनको प्रॉमिस कर दिया कि भैया 3 मिलियन पे अपन लैम्बो ले आएंगे, और बताओ। लेकिन आप करवाने वाले बनो, इंडिया में जम्मू में लैम्बो आएगी 3 मिलियन पे, बहुत बड़ी बात होगी मेरे जम्मू वासियों के लिए। हो सकता है उसे पहले ही भाई ले आए। स्टोरी देखी अगर आमिर, क्योंकि मेरी वीडियोस वो देखता तो मैं उसको बोलूँगा डुकाटी पहना के लिए, V4S इज अ ब्यूटीफुल मशीन गाइस। मेरे भी ऑप्शन में थी, बट मुझे ना ऐसे सुपर स्पोर्ट्स चाहिए थी, वो भी सुपर स्पोर्ट्स ही है, बट डुकाटी मतलब मुझे समझ नहीं आती यार। तो हमें तो नहीं रोका यार, मुझे लगा था रोकेंगे बट नहीं रोका, क्योंकि नई बाइक है, बिल्कुल साइलेंट बाइक है, ना कोई मॉडिफिकेशन है। अरे क्या हाल है भैया, हाय हाउ आर यू, कैसे हो आप? बढ़िया। हाय भैया, हाय, कैसे हो? हाय भैया कैसे हैं आप? लव 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 लव। चलो गाइस, फाइनली हो चुका है हमारा काम यहाँ से ख़त्म, और अब हम निकल रहे हैं पिट स्टॉप, क्योंकि अभी वहाँ वेट कर रहा है मेरा, और मैंने हेलमेट का स्ट्रैप तो बांधा ही नहीं था भाई। तो अभी निकल रहे हैं। तो भाई अभी अपन रुके थे मैगी खाने, क्योंकि मुझे लग गई थी भूख, और यहाँ देखो मेरे भाई मिल गए हैं सारे। हाउ आर यू, कैसे हो आप? कैसे हो मेरे भाई, कैसे हो आप, कैसे हो जी? तो चलो गाइस, पहुँच चुके हैं नगरोटा। यार मुझे ना बहुत भूख लग गई थी, तो मैं वहाँ मैगी पॉइंट पर रुक गया और मैगी खा ली, और अभी वहाँ कॉफ़ी बनवा के ना वेट कर रहा है मेरा पिट स्टॉप में। ये देखो भाई साहब फ़ोन पे, हाईवे के बीचों बीच, है ना भाई, चलती गाड़ी में भी आप फ़ोन यूज़ कर रहे हो यार, क्या हरकत है, मुझे तो यही समझ नहीं आता। और उसके बाद एटीट्यूड अलग से, भाई बहुत पावर है यार इसमें। पहुँच चुके हैं अपने फेवरेट पैच पे, पूरे जम्मू में ना ये पैच इतना फेमस हो गया हुआ है, क्योंकि सीधा रोड है ना, बट रिस्की बहुत ज़्यादा हो गया हुआ। उसका रीज़न क्या है कि यहाँ ना बहुत सारे लोग बीच में आ जाते हैं, जानवर बीच में आ जाते हैं, पेडेस्ट्रियंस आ जाते हैं, तो उसके चक्कर में ना बड़ा रिस्की हो गया हुआ भाई। वो ओ ओ ओ बच गया भाई, सारे फ़ोन पे लगे हैं, भाई भी फ़ोन पे लगा हुआ है भाई, चलती गाड़ी में। ये देखो भाई बीच में गाड़ी लगा के बैठा हुआ हाईवे के,
भाई साहब क्या मज़ा 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 बहुत मज़ा है, बहुत मज़ा है। किधर आ रहे हो भाई? गवर्नमेंट हैं, रॉन्ग साइड ही जाएंगे भैया। अब ये गवर्नमेंट की गाड़ी लेके देखो, गवर्नमेंट की गाड़ी भैया कहीं भी जा सकती है। कैसे हो आप? ठीक हो? और बढ़िया, आ जाओ यार। वो देखो बीच में बच्चे भाई ये नहीं देखते क्या है क्या नहीं, सीधे घुस जाएंगे भाई। ओ भाई साहब मज़ा मज़ा मज़ा। बाकी पेट स्टॉप पहुँच चुके हैं, अभी पीते हैं यहाँ कॉफ़ी, फिर देखते हैं क्या सीन बनता है। तो के खाएंगी मेरा भाई, क्या हाल है? ओहो क्या हाल चाल सर। ओके गाइस, आज हम टेस्ट करने वाले हैं गोप्रो ईशान भैया का, वॉइस आ रही है या नहीं आ रही है हाइपर व्यू मोड पे। ठीक है, लेट्स गो। अब आपको सिखाते हैं हम कि कैसे चेक किया जाए कि माइक वर्क कर रहा है या नहीं। आपको बस बाइक को भगाना है और जितना हो सके उतना चिल्लाना है, ठीक है? ऐसे ऐसे, समझ गए गाइस? अब हम वापस जाएंगे एंड देखेंगे कि आवाज कैसी है। ठीक है, माइक टेस्टिंग 1 2 3 गाइस। थोड़ा ज्यादा भगा लिया हमने, ऐसा नहीं करना चाहिए गाइस आप सबको, ठीक है? ठीक है ना गाइस? ओके, अब एक और बार चेक करते हैं कि आवाज कैसी आ रही है। 1 2 3 1 2 3। हाय, ये कौन है? पापा। अच्छा, ये देखो, लुक एट हर गाइस, कितनी क्यूट है ना ये। तो चलो गाइस, फाइनली घर के लिए निकल चुके हैं, पिट स्टॉप में कॉफी वगैरह पी ली, अभी यहाँ से घर की तरफ चलते हैं। यार मेरे घर वाली साइड ना बहुत ट्रैफिक होता भाई, तो अब क्या बताऊँ, अभी ट्रैफिक में थकना पड़ेगा थोड़ी देर। बाकी प्लीज़ बताओ यार, वीडियोस कैसी लग रही हैं, अच्छी लग रही हैं तो कर देना यार लाइक, करो यार सपोर्ट भाई को, कराओ 50K 100K 2। मैं तो बोल रहा हूँ सीधे, अब 2 लाख करवाओ, मेरे से वेट नहीं हो रहा इसको चलाने के बाद, तो बिल्कुल वेट नहीं हो रहा H2 को चलाने का। आई स्वेयर, आज हमने पेमेंट भी कर दी, जो कि सारा सामान आया था, जो हमारा बिल बनेगा वो मोटा मोटा 2 लाख रुपये बनाया यार, सारी एसेसरीज का। अभी सीट रह गई है, फुट पैक्स रह गए हैं, फुट पैक्स आ गए होंगे, वो मैंने लगवाए नहीं। क्या बात है यार, क्या भागती है भाई ये, क्या भागती है भाई। मज़ा आ जाता है यार इसको चला के ना, सच में। वो जा रही है हमारी वरना, द बिग डील की वरना, सेक्सी लग रही है यार पीछे से हमारी गाड़ी भी है भाई, तो ज़बरदस्त लग रही है। इसने सीट बेल्ट पहनी होनी चाहिए, अभी ने वैसे पहनता है सीट बेल्ट, पहनी है गाइस, दिख रहा है मुझे, पहनी है, विदाउट सीट बेल्ट गाड़ी नहीं चलाता है। क्या हाल है अभी भैया? बिग फैन। मज़े ले रहा था मैं अभी के साथ थोड़े से। बाकी हम चल रहे हैं अभी घर की तरफ, अभी को तो टाइम लगेगा पहुँचने में क्योंकि गाड़ी है तो ट्रैफिक होता है, बट सच में यार अब मेरा मन ही नहीं करता गाड़ी चलाने का, बिकॉज ये ट्रैफिक में आप निकाल लेते हो तो गाड़ी को तो ट्रैफिक झेलना पड़ता है पूरा लाइन में, और मेरा वैसा हिसाब किताब है कि मैं आगे आगे नहीं घुसूंगा, अगर ट्रैफिक लगा लाइन लगी है तो लाइन में खड़ा रहूंगा, ऐसे एक दूसरे के आगे नहीं। लेकिन बाइक बड़े मज़े से निकल जाती है फुल मस्ती में। ये देखो कितना जाम है यार, हमारे कश्मीरी भाई आए हुए हैं ना, सेक्रेट आया हुआ है, इसी वजह से थोड़ा जाम है, बट अभी हमारे भाई जाने वाले हैं क्योंकि अभी सेक्रेट वापस मूव होने वाला है, तो जैसे ही मूव होगा तो यहाँ ट्रैफिक ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। बाइक निकल जाती है यार, बाइक के बेनिफिट। अभी बेचारा लाइन में ही लगा होगा। ये क्या है, ये क्या करने लगे हैं अब? बोरिंग हो रही है शायद, बोरिंग। अभी मुझे बुरहान भैया को बोल के मुझे एक एंटी फॉग स्प्रे भी मंगानी है। अभी क्या हो रहा है, हेलमेट में जैसे मैं सांस लेता हूँ ना तो फॉग जम जाती है, वो एंटी फॉग स्प्रे के बाद इस पर फॉग नहीं जमेगी, बड़ी काम की चीज़ है वो, स्पेशली सर्दियों में। LS2 हेलमेट है मेरे पास, LS2 भी है, वो मेरे पास एक्चुअली में 4-5 हेलमेट्स हैं, तो LS2 में वो ना लगा हुआ है एंटी फॉग वाला, तो उस पर फॉग नहीं जमती, वो बड़ी हेल्पफुल रहती है स्पेशली सर्दियों में। उस पर वो मैंने तब ली थी, मेरे पास बनाली होती थी, मतलब आज से 4-5 साल पहले की बात,
बनेली थी 600 आई रेड कलर की, तो मैंने राइड करी थी फ्रॉम दिल्ली टू जम्मू बनेली। उस दिन मुझे उसका बेनिफिट समझ आया था क्योंकि सर्दियों के दिन थे, फॉग जम रही थी, लेकिन वो उसका ना एक स्टिकर टाइप लगा हुआ था भाई, बिल्कुल फॉग नहीं, पूरी हेलमेट में आगे पीछे फॉग, बट वो जितनी जितनी जगह में वो लगा हुआ था कोई फॉग नहीं। तो वो बेनिफिट तो है, अभी बुरान भैया को बोल के वो भी मंगाएंगे। और की रिएक्शन तो हमारे घोष को एक नंबर मिलते हैं, तो देखो रिएक्शन ही रिएक्शन है भाई। अभी स्टॉक बाइक पे जब इस पर एग्जॉस्ट लगा लेंगे तो क्या होगा मुझे समझ नहीं है। इस पर एक रिएक्शन वीडियो अगर आप चाहते हो, जम्मू सिटी में लेके चलेंगे इसको, अगर रिएक्शन वीडियो चाहते हो तो कमेंट करना, इस पर रिएक्शन वीडियो बनाएंगे। अगर आप चाहते हो कि मैं इस पर रिएक्शन वीडियो बनाऊँ तो प्लीज़ कमेंट करना, इस पर रिएक्शन वीडियो भी बनाएंगे। भाई नहीं रुकता कोई भी यहाँ पे, रुकने को तैयार ही नहीं है कोई भी भाई। ये देखो आंटी फ़ोन पे लगे हुए हैं, इनको ध्यान ही नहीं है कि मैं रोड भी पार कर रही हूँ भाई। तो आंटी प्लीज़, नॉट ओनली फॉर आंटी, सबको यार, अगर आप रोड पार कर रहे हो, एक सेकंड की बात है, आप रोड पार कर लो फिर फ़ोन यूज़ कर लेना, उसे बंदे के भी खतरे में आ जाना और अपनी भी। बट नहीं, क्या बोल सकते हैं। ये देख भाई कहाँ से बाहर निकाल दिए एकदम से। ओ ओ, ओ चाचा देखा भाई, घुस गए थे अंकल खड्डा बचाने के चक्कर में, घुस गए थे मेरे में। देखो ना यार, अंकल कभी इधर जा रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं। ये देखो, उधर जाएंगे फिर वापस आएंगे, फिर इधर आएंगे फिर वापस आएंगे। ये तो मैं बोलूँगा कि जितनी मर्जी स्मार्ट सिटी बना लो, जब तक बंदे स्मार्ट नहीं हुए ना, तब तक कुछ नहीं हो सकता। चलो गाइस फाइनली घर पहुँच गए हैं यार। आज का दिन रहा बहुत हेक्टिक, आज पेमेंट वगैरह भी कर दिए, कल देखते हैं क्या बनता है। आज आमिर से भी मिला मैं, और कल भी, कल का है कुछ प्लान, वो कह रहा था भैया मैं आपकी बाइक की राइड लूँगा, तो देखते हैं क्या बनता है। बाकी वीडियोस में ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखो, प्यार दिखाओ यार, जल्दी से जल्दी 50K 100K 2 लाख करवाओ, ताकि हम BH2 लेके आ सकें। बाकी यू गाइस नो द ड्रिल, क्या करना है, माँ बाप की सेवा करनी है, बड़ों से प्यार करना है, और भाई को बहुत ज़्यादा प्यार करना है, और चैनल को करना है सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे कल नई वीडियो में, टिल देन बी सेफ, राइड सेफ, ड्राइव सेफ। फलक तक चल साथ चल, फलक तक चल साथ मेरे, फलक तक